आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, एक मार्ग पैर तरी जे सिर दीजे कान ना कीजे। सरदार गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी ने एक किताब लिखी है सर्व पक्षी नायक, ओदे विचो लिखदा है औरंगजेब मुगलिया राज दी शाम सी, पर गुरु गोबिंद सिंह सिख राज दी प्रभात सन। एक मुसलमान फकीर होया साई बुल्ले शाह, वो कहंदा लोको ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, बात कहूं मैं जब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब। लाला दौलत राय जी बड़े बड़े आर्य समाजी हुए ने, उन्हें किताब लिखी सी सुहाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। अजकल इंग्लैंड के सिंघा ने उद्यम करके उदा पंजाबी विच तर्जमा करवाया है, उदा नाम रखिया साहेबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह। और कहिंदा दुनिया दे लोगो, सरकारां जंग लड़दियां ने सर बदले, जोरू बदले या जमीन बदले, दौलत बदले, स्त्री बदले या जायदाद बदले। महाभारत दा युद्ध होया, करोड़ां बंदे मारे गए, एक द्रौपदी बदले। त्रेता युग दी महान लड़ाई हुई, एक सीता बदले। ओ कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह जी ने 14 जंग लड़े ने, एक भी जंग सार जोरू जा जमीन बदले नहीं लड़िया, बल्कि सारे दे सारे जंग धर्म बदले लड़े। एक मुसलमान कवि बड़ी श्रद्धा नाल लिखदा है, वो कहिंदा इंसाफ करे दिल में जमाना तो यकीन है, कह दे के गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे। ये बुलबुला आखे में एक आंख नाल समंदर नु देख लवा के ना के देख सकदा है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मंज थार को या लहर को देखे। वो कहेंगे अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी करूं तारीफ गोबिंद की वो कम है। श्री केसगढ़ साहब के साहब के जथेदार दो लीला बढ़िया कमाल दिया लिख दे। बच्चे ने बड़िया चीका मार देने, रौला पाउंदे ने, जे वड्डा बच्चा को रौला पावे तो उन्हां बाहर कढ दिओ ताकि बाहर खेडण, ते जे छोटा बच्चा गल्लां करे जे चीका मारे ते माता दा फर्ज है उह अपनी गोदी विच लै के बैठो, क्योंकि इक दो बच्चियां दी चीकां सारे दीवान दा रस खराब करदियां ने। मैं बेनती करांगा कि भैणां साडी बेनती प्रवान करनगियां। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 14 जंग धर्म बगले लड़े, और जंग भी ऐसे कि दुनिया याद करके जंग हो जाती। मेरी अखां सामने एक झाकी आउंदी है, कोई बहुत वड्डा किला नहीं, एवें मामूली जी कच्ची हवेली है। इस हवेली दे मालक दा नाम है बुद्धी चंद। अज कुदरत गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं उस हवेली विच लै आई है, नाल कोई बहुत वड्डी फौज नहीं, सिर्फ दो साहिबजादे, तीजे गुरु गोबिंद सिंह, 41 सिंह,
कुल गिनती सी 44। महाराज ने सर करके म्यान में जो कृपान करी हवेली दिया कंधा टो टो के वेखन लग पे, क्योंकि कलर नाल ठठियां हुई पुरानिया कंधा पुरानिया शतीरिया पुराने बालिया की छत सी। हजूर तलवार की नोक नाल कंधा चेक कर रहे ने, कदे कोठे उत्ते चढ़ गए ने पैर की अड्डी मार के छत्तां टेस्ट कर गए ने, कदे बुरजां च खड़ो के चार चफेरे का मैदान वेंदे ने, जिवें कोई सेनापति चीफ कमांडर जंग की जगह बारे सोच रहा होवे। भाई से भाई दया सिंह जी महाराज के चरणा बचाए कह लगे, सचे पातशाह पटना साहब के शाही महला नालों आनंदपुर साहब के शानदार किलिया के मुनारिया नालों एक कच्ची हवेली नाल तो ज्यादा प्यार पै गया। बड़ा गौर नाल बड़ा ख्याल नाल बड़ा गौर नाल वेख रहे जे। महाराज मुस्कराए कहते, हां दया सिंह जी पटना च सिखी का भंगूरा सी, भंगूरे च बच्चा बचपन गुजारदा है रहने ना सिखदा। आनंदपुर साहब सिखी का स्कूल सी, स्कूल विच बच्चा विद्या पढ़ता है, उथे खालसे ने गुरमत की विद्या पढ़ी। पर दया सिंह चमकौर की कच्ची हवेली खालसे की यूनिवर्सिटी है, इथे अज सिंघा का इम्तहान होगा और मैं वेखांगा अज मेरे वीर बहादुर किन्ने के नंबर लेके पास होंगे ने। जिस खिते में हम कहते थे आना ये वही है, तेन कदे दसिया सी ना उठे चलना है। जिस खिते में हम कहते थे आना ये वही है, जिस जा पे बच्चों को कटाना ये वही है, जिस जा से कल को लुट के जाना ये वही है, मिट्टी भी कह रही है ठिकाना ये वही है। दया सिंह एक धरती तीर्थ बनेगी, इस धरती नु देवते परछन आया करेंगे, एथे मेरा अजीत सिंह जूझेगा, एथे मेरा जुझार सिंह जूझेगा, एक धरती खालसे दी करबला बन जाए। बल दुश्मना ने जिथे लाभना है, बाबे हाथा अकाल दे दास जिथे, बाबे हाथा अकाल दे दास जिथे, सवा लाख से एक लड़ाऊं तब एक बिन सिंह नाम कहाऊं।